आज हम बात करेंगे जॉय ई बाइक कंपनी के बारे में, जो कि गुड़गांव के रेलवे स्टेशन रोड पे ये इलेक्ट्रिक का शोरूम है। तो यही देखने के लिए मैं इस शोरूम में आ गया हूँ कि इस कंपनी के पास सबसे टॉप मॉडल कौन सा स्कूटी है और उसकी क्या खासियत है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके पास कौन कौन सा व्हीकल्स है और सबसे टॉप मॉडल कौन सा है। अगर मैं जानकारी की बात करूं जॉय ई बाइक कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इनके पास बाइक्स भी अवेलेबल होती है इस कंपनी के पास। ये कंपनी फुली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, जो कि अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि मार्केट में क्या है कि और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ठीक है, इस रेंज के अंदर। तो पब्लिक, और मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि इसी ब्रांड को पब्लिक क्यों चुन, तो इसका कोई एक रीजन बताइए। सर, सबसे पहले मेरे पास रीजन है सेफ्टी। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इस बैटरी के अंदर जो है स्मार्ट बीएमएस लगा हुआ है। स्मार्ट बीएमएस क्या करता है, सेंसर है एक जो बैटरी को हीट नहीं होने देता। हीट अगर हो भी गई तो क्या करता है, वो सेंसर उसको सेंस करेगा और बैटरी के एमसीबी को तुरंत ही डाउन कर देगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास चूज करने का वो आता है, वो इसका सेफ्टी फीचर है। दूसरा क्या है, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस जो पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाते ना, अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है व्हीकल्स में, ये पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे सभी कंपनी के पास। हमारे पास इस चीज का तोड़ है। हमारे पास इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा दूर हमारे पास नहीं है, इसका वेयर हाउस संभाल का दिल्ली में। तो हम उसको जो पार्ट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम हुआ तो 24 घंटे, ठीक है सर, हर पार्ट्स अवेलेबल है। और तीसरी अगर मैं बात करूँ इसको खरीदने की, तो सर जो 90 किलोमीटर जाने वाली व्हीकल आपको 95,000 रुपए में विद आरसी इंश्योरेंस मिल रही है, वो शायद आपको देखने को कहीं और जगह नहीं मिलेगा। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तीन चीजें ध्यान रखें। जैसा कि आपने सुना कि सर ने तीन रीजन बताए हैं इस व्हीकल को खरीदने के लिए, और बाकी में ही बात की जाए तो ये तीन रीजन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। बात करें सेफ्टी पर्पस की, तो बैटरी का जो फीचर इन्होंने बताया वो मे भी किसी बैटरी के अंदर देखने को मिलेगा इस रेंज में। तो इसमें क्या है कि वो स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाता है। और जो आफ्टर सेल्स सर्विस के बाद की बात करें, तो ये कंपनी उसमें भी दावा करती है कि आपको जो सर्विस देगी मिल। तो आज के वीडियो में क्या है कि हम इस कंपनी का जो टॉप स्कूटी है वुल्फ इको जो मॉडल है, जो कि आपको यहाँ सामने दिख रहा है, तो इस वीडियो में हम इसी स्कूटी के बारे में सारी चीजें जानने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम इस स्कूटी का क्या है क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। जो इस शोरूम का ओनर है उनसे हम बात करेंगे डायरेक्टली। तो इसका जो फाइबर है ना बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है सर। ये जो पैर रखने का एरिया है, जो फुट रेस्ट है, ये भी बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत बना हुआ, ठीक है। आगे पीछे की पूरे फाइबर की बात करते हैं तो बहुत ही मजबूत क्वालिटी का फाइबर लगा हुआ है इसमें, ठीक है सर। और नेक्स्ट अगर हम और बात करते हैं टायर की, तो टायर तो सर 10 इंची टायर है, C8 का ट्यूबलेस टायर है, आगे पीछे 10 इंची ट्यूबलेस टायर है। और बात करें इसकी लाइट की, तो इसमें DRL लाइट इंडिकेटर, कलरफुल इंडिकेटर मिल जाते हैं, LED लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है सर, जो रात के लिए बहुत ही बेहतरीन है, फोकस बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर क्या है कि आपको DRL लाइट्स देखने को मिल रहा है विद फुली कलरफुल के साथ। तो ये DRL लाइट है, इसी के अंदर भी आपको क्या है कि इंडिकेटर्स कलरफुल देखने को मिल जाता है। और इसी तरह अगर पीछे की लाइट की बात करें तो ये कलरफुल इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये नीचे की लाइट अपनी जो यहाँ पे हमारे नंबर प्लेट लगी थी उसके ऊपर लाइट डालने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, LED लाइट लगी हुई। इसकी सीट है 730 mm। जी सर, जिसकी हाइट 5.2 है वो भी आसानी से इसको, बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें कलर्स की, तो ये स्कूटी कितने कलर्स में आपके पास अवेलेबल है? ये स्कूटी मेरे पास दो कलर में अवेलेबल है, ठीक है सर, एक तो मिडनाइट ग्रे है और एक मिडनाइट कॉफी। अच्छा, यानी दो कलर्स में आपके जी अवेलेबल है। इसके स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ये बूट स्पेस में स्पेस दिया हुआ है, इसमें हम हाफ स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर क्या है कि आप हाफ हेलमेट भी आसानी से रख सकते हैं, और ये इसकी डिग्गी में भी स्पेस आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे भी आप आसानी से कोई छोटा मोटा आइटम
रख सकते हैं। अब बात करें राइडिंग के टाइम की, तो राइडिंग के टाइम में क्या है कि आपको यहाँ पे एक USB का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें राइडिंग के टाइम में आप अपने फ़ोन को यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या दिया गया है, वो भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करें इसके डिस्प्ले की, तो ये आपको फुली ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो एक बार ये भी ऑन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको फुली ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या मोड दे रखे हैं, उसके बारे में एक बार हम जानते हैं। तो सर सबसे पहले तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए जी सर, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। सर 7 इंच की ये डिस्प्ले दे रखी है। अच्छा। जिसमें ये इंडिकेटर्स है ऊपर जी, ठीक है, ये चार्जिंग के लिए दिखाता है। अच्छा। ये हेडलाइट के लिए दिखाता है और ये रेडी के लिए दिखाता है, ठीक है। अब उसके नीचे डिस्प्ले में बात करते हैं तो ये बैटरी की पावर दिखाता है। इसके बाद दिखाते हैं नीचे किलोमीटर, ऊपर मोड शो करता है इसमें। अच्छा, इसमें ये मोड है जी, तो अभी ये सेकंड मोड पे है जी सर। इसमें तो मोड कैसे हम चेंज करेंगे? हाँ, उसके लिए यहाँ पे नीचे ना एक लीवर दे रखा है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन मोड में व्हीकल चलता है हमारा। अच्छा, ये तीन मोड में है। जैसे कि मुझे फर्स्ट मोड पे करना है तो इस वाले बटन को फिर से प्रेस जी सर, जी सर, जी सर। और थर्ड मोड पे करना है तो कैसे करेंगे? थर्ड मोड पे करना है, इसी को हम लास्ट में कर देंगे, ये थर्ड मोड आ जाएगा, वो यहाँ पे इंडिकेट करने लगेगा। जैसा कि आपने देखा इस बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे थर्ड मोड का ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे एक किलोमीटर का मतलब ये है कि आप कितना किलोमीटर चल चुके हैं अभी करंट में, वो यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे आपका स्पीड शो करेगा, ठीक है सर। इसमें डायरेक्ट और रिवर्स दोनों का ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो मतलब अगर हम पैर से धक्का नहीं देना चाहते हैं तो हाँ, उस टाइम पे भी क्या है कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन बी और आर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि रिवर्स पे भी आप इस स्कूटी को चला सकते हैं आसानी से। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें तीन गियर देखने को मिल जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन से गियर पे कितना स्पीड होगा और कितना किलोमीटर चलेगा तो इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड कितनी है इसमें? जो फर्स्ट गियर है उसकी टॉप स्पीड आएगी सर 30। तो एक बार देखते हैं, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा हुआ है, फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड है वो 30 स्पीड है, ठीक है। अब सेकंड गियर की टॉप स्पीड कितनी है? सेकंड गियर की टॉप स्पीड आ जाती है 40। तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है सेकंड गियर पे 40 की स्पीड। अब बात करें इसकी थर्ड गियर की, अगर बात करते हैं थर्ड गियर की तो थर्ड गियर पे स्पीड चली जाती है 50 के करीब। 50 के करीब जी सर। तो जैसा कि आपने देखा इसमें तीन गियर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और तीनों गियर की टॉप स्पीड हमने आपको दिखा दी है, तो सर तीन गियर का इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाए तो कौन से गियर पे कितना किलोमीटर चलेगा एक बार ये भी हमें बताइए। जो फर्स्ट गियर है सर, फर्स्ट गियर पे अगर चलने की बात करते हैं तो इसकी रेंज जाएगी 90 किलोमीटर के करीब, और सेकंड गियर की बात करें तो 85-90 के बीच में जाएगा, ठीक है। थर्ड गियर की बात करें तो 80-85 के बीच में जाएगा। तो सर एक बात बताइए, इसको ऑन करने के लिए क्या हमें की से ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, इसके साथ में आपको एक कीलेस स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये की में ना मेरे पास की है, ये रिमोट है, इसमें ये ऊपर लाइट का है, फिर अलार्म का है, ये लॉक और अनलॉक का, ये चार ऑप्शन इसमें आते हैं है। जब मैं ये जो लाइट वाला दिखा रहा है इसको दो बार करता हूं तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा अभी ये कीलेस भी स्कूटी ऑन हो जाता है, यानी कि बिना की के भी ये स्कूटी ऑन हो रहा है। तो जैसे सर ने बटन प्रेस किया था और यहाँ डिस्प्ले पे लाइट आ गई है, तो ये कीलेस का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है इसकी। अब ये तो ऑन हो गया, अब इसको ऑफ करना होगा तो कैसे करेंगे? ऑफ पर निकले अनलॉकिंग का हमारे पास ऑप्शन है, जब हम इसको एक बार दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो जैसा कि देखा आपने यहाँ पे की नहीं लगा हुआ है, बटन प्रेस करने के बाद ये स्कूटी ऑफ हो गया। तो ये काफी अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाता है इस की के अंदर। अब इसकी में एक फीचर ऐसा भी है जो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। वो फीचर है एंटी थेफ्ट का, ठीक है सर। आप कहीं इसको व्हीकल को खड़ा करके जाते हैं, ठीक है, और लॉक करके जाते हैं रिमोट के थ्रू, तो ये लॉकिंग का है बटन है। अभी मैंने व्हीकल को लॉक कर दिया, ठीक है, और कोई मेरे व्हीकल के साथ छेड़ाछाड़ी करता है, ठीक है, तो ये मेरा अलार्म क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। तब भी कोई नहीं मानता और इसको लेके जाने की कोशिश करता तो ये, जैसा कि आपने देखा कि सर ने एक बहुत ही अच्छा एंटी थेफ्ट अलार्म का भी ऑप्शन हमें दिखाया है, जो कि काफी ही मददगार साबित होने वाला है। अगर मैं बात करूँ, आप किसी मार्केट में जा रहे हैं और आपने अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया है, अब उस टाइम कोई चोर अगर आपकी स्कूटी को चोरी करने की कोशिश करता है तो एंटी थेफ्ट अलार्म का इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपकी स्कूटी जो है वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी और तरह तरह के साउंड देना स्टार्ट कर देगी। तो उस केस में क्या है कि आपकी जो गाड़ी है चोरी होने की बहुत कम चांस है। ये काफी अच्छा ऑप्शन है इस स्कूटी के अंदर देखने को मिल जाता है। ये एक सिंगल चार्ज में 90 किलोमीटर तक जाएगी जी, ठीक है सर। उसके बाद इसकी चार्जिंग में जो समय लगेगा वो 5 से 5.5 घंटे लगेगा, और यूनिट 2.5 यूनिट इसको एक बार में चार्ज करने में लगते हैं, ठीक है सर। जैसे 90 किलोमीटर जाती है 2.3 यूनिट खर्च होता है, तो एक यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो 7 रुपये 7.5 रुपये यूनिट हमारी बैठती है। अच्छा। ठीक है,
हम 2.5 यूनिट लगभग करीब हम उसको खर्च करते हैं, तो 2.5 यूनिट के मतलब हो गया 7 लगभग 20 रुपये करीब, 18 से 19 रुपये हो गए, ठीक है सर। तो अब हमारी व्हीकल 90 किलोमीटर तक जा रहा है, 90 से 100 किलोमीटर की भी रेंज तक जाती है, ठीक है। तो उस बीच में सिर्फ इसका जो एवरेज किलोमीटर आएगा वो 17 पैसा पर किलोमीटर आएगा सर। तो जैसा कि आपने सुना कि 17 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से आप इस स्कूटी को चला सकते हैं करीबन 90 किलोमीटर का, तो ये काफी एक अच्छा देखने को मिल जाता है, यानी कि कम पैसे में ज्यादा फायदा। इसके अंदर बैटरी लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है 60 वोल्ट में 31 AH में। इसकी बैटरी रिमूवेबल बैटरी है, आप आराम से इसको निकाल के बाहर भी चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि बैटरी काफी लाइटवेट है, सर ने अपने लेफ्ट हैंड से आसानी से बैटरी को उठा लिया था। आप इसको किसी अपार्टमेंट घर या फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं तो वहां पर भी आसानी से, या अपने किसी ऑफिस में भी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी जो है स्मार्ट BMS के साथ आती है, इंक्लूडेड MCB इसी में लगा हुआ है। तो इस MCB का काम क्या है सर? इस MCB का काम है, जैसे अगर मान ले बैटरी हीट हो रही है तो ये MCB अपना आप ट्रिप कर जाएगी, ठीक है सर, अपने आप ट्रिप कर जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर एक बहुत ही एडवांस लेवल का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि हमें और किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कम देखने को मिले या ना भी मिल सके। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है कि अगर राइडिंग का टाइम या कभी भी हो, जब आप इस बैटरी को चार्ज कर रहे हो उस टाइम में भी अगर बैटरी आपकी ज़्यादा हीट होती है तो यहाँ पे एक MCB का ऑप्शन देखने को मिलता है जो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसमें। और ये बैटरी की वारंटी की बात करें तो बैटरी का वारंटी कितने साल का है? अगर बैटरी की वारंटी की बात करते हैं तो 3 साल की वारंटी कंपनी देती है, कितने भी किलोमीटर चलाओ कोई टेंशन नहीं। तो ये थी इसकी बैटरी की जानकारी, अब बात कर लेते हैं इसके मोटर के बारे में। तो सर इसका मोटर जो है उसके बारे में बताइएगा। सर अगर मोटर की बात करें तो 1000 वोल्ट की DC मोटर लगी हुई है, 1 साल की गारंटी है। मोटर की वारंटी की बात करें तो आपको इसमें 1 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है। और बात करें अगर इसकी मोटर की तो इसमें हब टाइप मोटर मिलती है जो फुल्ली वाटरप्रूफ है। अच्छा, तो ये IP65 हो गया, यानी कि आपका कहने का मतलब। यस सर, यस सर। सर ये थी इसकी मोटर की जानकारी, अब जो इसका चार्जर है उसके चार्जर के बारे में बताइए कि चार्जर में क्या क्या है। चार्जर की अगर बात करें तो चार्जर 6 एम्पीयर का चार्जर, बहुत ही लाइट वेट चार्जर है, 1 साल की गारंटी के साथ में चार्जर आता है। चार्जर सॉकेट की बात करें तो सीट के नीचे इसका चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, लगाना भी बड़ा इजी है। ये थी इसकी सारी जानकारी, अब बात करते हैं कि इस स्कूटी का जो प्राइस है वो कितना होने वाला है, तो इसके बारे में भी एक बार हम जान लेते हैं। तो सर इसका प्राइस कितना होगा इस स्कूटी का? सर ये हाई स्पीड में व्हीकल आ जाता है जिसका प्राइस 95,000 पड़ेगा, इंक्लूडेड इंश्योरेंस और RC। तो ये कंपनी ही करा के देगी? हाँ, ये कंपनी आपको करा के देगी। तो जैसा कि आपने सुना है इस स्कूटी का जो प्राइस है 95,000 है। अब 95,000 में क्या है कि एक तो आपको किलोमीटर रेंज ज़्यादा देखने को मिल जाता है, 90 किलोमीटर रेंज ज़्यादा देखने को मिल जा रहा है, और चार्जिंग के टाइम की बात करें तो वो आपको 5 से 5.5 घंटा देखने को मिल रहा है। और उसमें क्या है कि 17 पैसा पर किलोमीटर आप आसानी से किसी स्कूटी के साथ चल सकते हैं। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है,